विपरीत परिस्थितियों से जूझता एक ऐसा ही आदमी था सुरैया, यार वो घर में थोड़ी जिसका दोस्तों और दुश्मनों के कारण कोर्ट कचहरी के भवन में फंसकर सारा खेत खलिहान बिक गया, जिसे अपने बेटे के पालन पोषण के लिए मकान का एक हिस्सा तक किराए पर उठा देना पड़ा था, और जिसने जब समाज के दबाव में आकर अपने बेटे का विवाह कर दिया तो फिर तो घर में खाने के भी लाले पड़ गए। घर का चूल्हा जलाने के लिए उसे गाहे बेगाहे जाने अनजाने लोगों के सामने कर्जे के लिए भी हाथ फैलाना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग उससे कतराने लगे। मेरे पास तो अभी फिलहाल नहीं है। ऐसे में एक दिन वो गांव से लापता हो गया और लौटा तो चोला बदल गया था। भगवान के दर्शन की कितनी ही कहानियां अपने बड़े से झोले में लेकर आया था वो, तो लोगों ने भी उसे मंदिर के ही एक कोने में रहने की जगह दे दी। नाम बदल गया सुरैया स्वामी। कौन जा रहा है? मैं हूँ स्वामी जी। अरे बेटी, हाँ इधर आ, इधर आ, इधर आ, बैठ 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 बैठ, थोड़ी सांस ले ले। तू कनिकपाडू से आई है ना? हाँ स्वामी जी, अभी अभी बस नाव से उतरी हूँ। शंभू शंकरा, अब बेटी आज स्वामी का मेथी खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू ये दो और रख दे, तेरी बिक्री जल्दी हो जाएगी। शंभू शंकरा, शंभू शंकरा। अच्छा स्वामी जी, कल्याण। अरे साजी। क्या साजी, स्वामी को प्रणाम नहीं करोगे? स्वामी जी प्रणाम। बस सूखा प्रणाम, साधु संतों को सूखा प्रणाम कभी नहीं करते साजी। स्वामी जी कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं स्वामी जी उधर से जा रहा था। झूठ मत बोलिए साजी, सत्यनारायण की कथा याद है? साधु राम वैश्य ने झूठ कहा था कि उसकी नाव पत्तों से भरी है, और फिर सचमुच उसकी नाव में हीरे पन्ने की बजाय पत्ते भर गए थे, याद है? हाँ स्वामी जी। हाँ तो बताइए क्या है आपके पास? स्वामी जी मैं सच कह रहा हूँ, आज आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। स्वामी जी मैं गांव से बाहर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि भगवान के दर्शन कर लूं। इसमें क्या है साज? इसमें इसमें कुछ नहीं स्वामी जी, वो क्या कि पत्नी ने रास्ते के लिए कुछ चना चबेना दे दिया था, और इसमें कुछ नहीं। तो क्या चना चबेना अकेला ही चबाएंगे, स्वामी को नहीं देंगे? बिना साधु सन्यासियों को खिलाए गले में अटकेगा आपके, लाइए जी। स्वामी जी इसमें से आप ले लीजिए। शंभू शंकरा, क्या चना चबेना है, ये लीजिए प्रसाद। शंभू शंकरा जाइए, अपने काम में सफल होइए। शंभू शंकरा। राम राम। कल्याण। शंभू शंकरा। कौन जा रहा है? कोई जा नहीं रहा है स्वामी जी, आ रहा है, आ गया है और बैठ गया। अरे रामैया तू है, बैठ बैठ बैठ। अच्छा बता दुकान के क्या हाल? सब ठीक ठाक ही है स्वामी, बस बाजार में कुछ ठंडा सा है। अब रामैया ये ठंडा गरम सर्दी बरसात ये सब तो शंभू शंकरा की लीला है, देह धरे का धर्म है तो सब कुछ भुगतना ही पड़ता है, और ऐसे समय में ही आदमी का धर्म कर्म दान पुण्य काम आता है। वो तो है ही है स्वामी,
हाँ तो कुछ दान पुण्य कर रामैया, आज स्वामी का दाल के बड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। ये भी कोई पूछने की बात है स्वामी? मैं कल ही आपके लिए गर्मा गर्म बड़े छिनवा के भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, बड़े मत भिजवाना, तू तो शनिवार को सवा सेर उड़द की दाल भिजवा देना, तेरे शनि का प्रकोप भी कम हो जाएगा और तेरी दुकान में भी। ठीक है और सुन सुन सुन, सवा सेर सरसों का तेल भी भिजवा देना, और चटनी का पुण्य कोई और क्यों ले, तू ही भिजवा देना अपना पाव सेर हरे धनिया की पत्ती, पाव सेर हरी मिर्च, पाव सेर अदरक और पांच नींबू। पांच नींबू? ठीक है स्वामी जी, मैं चलता हूँ। शंभू शंकरा, ये चरणामृत ले जा, तुझ पर शंभू शंकरा की कृपा बनी रहेगी और तेरी दुकान धन धान्य से भरी रहेगी। अच्छा स्वामी जी, कल्याण। शंभू शंकरा, शंभू शंकरा, कौन जा रहा है? सुब्बा राव ही है ना? जी स्वामी। बैठो बैठो। इस साल खेत की पैदावार कैसी है? अच्छी रही, आप जैसे साधु महात्मा का अनुग्रह हो तो फिर। हाँ, पर तुम्हें स्वामी पर भिक्षा दान का अनुग्रह किए हुए 3 महीने से ऊपर हो गए, काम में फंस गए होंगे। जी 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 महाराज। सुब्बा राव, साधु सन्यासियों की अनदेखी करके देव दर्शन से पुण्य मिलेगा कहीं? देव को पूजा देने से ज्यादा पुण्य साधु सन्यासियों की सेवा से मिलता है। क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई। हाँ। कीजिए महाराज। शंभु शंकरा, सुब्बा राव, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद सिर्फ पैसा देने से नहीं मिलता, अनुग्रह के लिए तुम्हें घर पे तो बुलाना ही होगा। अवश्य महाराज, अवश्य। तो ज्यादा आडंबर मत करना, बस 2 सब्जी 2 चटनी बना लेना, और दूध में सने हुए आटे की पूरी तो तुम जानते हो स्वामी को बेहद अच्छी लगती है, और आजकल तो दांत के दर्द से भी छुटकारा मिला हुआ है, तो खाने में कोई परहेज नहीं है, और मिठाई में तो तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं है, तो बस 3-4 मिठाई रख लेना। तो ठीक है, कल 12 बजे आ जाइए आप। ऐसा कैसा चलेगा सुब्बा राव, बुलाने के लिए तो तुम्हें ही आना पड़ेगा, नहीं तो पुण्य। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ। आप तैयार रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। स्वामी में यही तो एक बात है सुब्बा राव, वो एक बार कह देता है फिर वो बात पत्थर पे खिंची लकीर हो जाती। अच्छा महाराज, चलता हूँ। कल्याण। शंभू शंकरा, आज के दिन का आरंभ तो बड़ा अच्छा रहा, कल के लिए ज्योनार का न्योता, हरी हरी मेथी, दाल के बड़ों का सामान और असली घी के असली लड्डू। चल स्वामी, आज तो घर के सारे लोग गदगद हो जाएंगे। अरे आ गए आप। शंभू शंकरा, अच्छा ठंडा छास है। अब पहले पानी पिलाओ बेटा। हाँ, अभी लाती हूँ। बड़ी उमस है। वक्त भी तो देखो क्या हुआ है। आप छाछ पी लीजिए, बाद में मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या लेकर आए हैं? देखो ना। अरे ये क्या देख रही हो? ये देखो, ये असली माल। लड्डू। लड्डू। और ये तुम देखो, ये। अरे ये सिक्के किसने दिए? बूझो तो जाने। अगर मैं आपकी तरह होशियार होती तो यहाँ धान ही कुटती रहती, लोग मुझे भी किसी मंदिर में ले। जलती है मुझसे। ये लड्डू दिए हैं साहजी ने। साहजी ने? वो सुम ने? उस कंजूस ने आपको लड्डू दिए? एकदम अनहोनी बात। अनहोनी को होनी बनाने की कलाई तो है सुरैया स्वामी के पास। और ये लड्डू उसने ऐसे नहीं दिए, बाघ के गले में हाथ डाल के निकाले लड्डू। और ये पैसे बाबा, आजकल कौन देता है इतने पैसे? देता है, ऊपर वाला देता है। ऊपर वाला?
ऊपर वाला मतलब शंभू शंकरा। बस उसी का एक बंदा जा रहा था तो मैंने कह दिया महाराज, तो उसने खुश होकर दे दिए सिक्के। बाबा अब आप खाना खा लीजिए, बहुत वक्त हो गया है, आप थक गए होंगे। हाँ बेटा थक तो गए हैं, लेकिन सन्यासी बनकर घर चलाना आसान काम नहीं है। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ चलो, मैं पानी रख देती हूँ। ये भीड़ कहाँ से आ गया, कहीं मुझे पकड़ ना ले। कौन जा रहा है बेटा? विश्वनाथ, क्या बात है, न प्रणाम न नमस्कार, लगता है बड़ी जल्दी में हो। नहीं नहीं क्षमा करें महाराज, मुझसे ही भूल हो गई। शंभू शंकर, दरअसल मैंने आपको देखा ही नहीं। प्रणाम महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद, क्या बात है, किसी सोच में हो? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस यू ही। शंभू शंकरा, सन्यासी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे मालूम है तुम परेशान हो। शंभू शंकरा, क्या बताऊं महाराज, कोई एक परेशानी हो तो बताऊं। महाराज मेरी पत्नी की तबीयत लगातार खराब रहती है, इसलिए घर की देखभाल ठीक से हो नहीं पाती। अब आप ही बताइए, मैं घर देखूं या काम पर जाऊं, और हमारी मजबूरी देख करके मजदूर भी ढीठ हो गए हैं। कब से बीमार? इस अमावस्या को महाराज पूरा एक वर्ष हो जाएगा। महाराज तब से बिस्तर पर पड़ी है, बीमारी है कि छोड़ती नहीं, और रोग का भी पता ही नहीं महाराज। बस इतनी सी बात, इसका तो बड़ा सरल उपाय है। सरल उपाय तो बताइए ना महाराज। अमावस्या, अमावस्या का उपाय, जिस दिन तुम्हारी पत्नी को रोग ने घेरा ठीक उसी दिन हर माह तुम एक सन्यासी को भोजन कराओ, यथाशक्ति दक्षिणा दो, फिर देखो तुम्हारे घर से रोग शोक निकलकर उस सन्यासी के झोली में चले जाएंगे। महाराज पर इससे तो वो बीमार हो जाएंगे। हाँ। अरे ये तो महापाप होगा महाराज। शंभू शंकरा, सन्यासी को रोग शोक नहीं सताते, ये सब साधारण लोगों के लिए है। देखो परसों अमावस्या है, तुम परसों से शुरू कर दो, फिर देखो इसका असर। परसों से? पर महाराज इतनी जल्दी सन्यासी कहाँ? महाराज क्या आप मेरे घर कृपा करके पधारेंगे? हाँ क्यों नहीं, मैंने तो सन्यास लिया ही लोगों के कल्याण के लिए है। तो ठीक है महाराज, आप परसों दोपहर को मेरे घर पधारें। शंभू शंकर, आप जो भी दक्षिणा कहेंगे मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। पर महाराज मेरी पत्नी स्वस्थ तो हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, चलो मैं रास्ते में तुम्हें इसके बारे में सब बताता हूँ। महाराज पर आप तो इस दिशा में जा रहे थे। शंभू शंकरा, सन्यासी के लिए कैसी दिशा, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। अच्छा। अरे कहाँ से आ रही हो? गाय ब्याई है, इसका पहला दूध लेके सुरैया स्वामी को देने गई। तुमने यह अच्छा किया, साधु महात्माओं को देने से बरकत होती है, मगर ये सुरैया स्वामी कुछ अजीब से लगते हैं। क्यों, बड़े भले आदमी हैं? हाँ होंगे, पर सन्यासी होकर परिवार के साथ रहना यह अजीब सा नहीं लगता? उसका भी कारण है, दरअसल सुरैया स्वामी पहले हम जैसे गृहस्थ ही थे, इसीलिए तो पत्नी बेटा बहू सब है उनके। हाँ उनके साथ ही तो रहते हैं ना। एक दिन उन्हें भगवान के दर्शन हुए। क्या बात करती हो? सच, हमारे लोग शुरू से यहाँ रहते हैं। मेरी सास बताती है कि भगवान के दर्शन होने के बाद सुरैया एकदम बदल गए, वे घर से गायब हो गए। सुरैया? हाँ, सन्यास से पहले यही नाम तो था ना सुरैया स्वामी का। अच्छा फिर क्या हुआ? बस फिर एक दिन वे वापस आ गए, और तभी उनका चोला बिल्कुल बदला था, वे सन्यासी हो गए थे। मगर भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि वे अपने घर वालों की भी देखभाल करते रहे, इसीलिए वे सन्यासी है, लेकिन है तो घर में ही है। वैसे तो दिन भर वो गोपुरम में ही बैठे रहते। अच्छी बात है, हमारी नगरी में एक महान आत्मा है, मैं भी उनका दर्शन करना चाहूंगी, कभी ले चलो एक दिन। चाहे जब चलो। शंभू शंकरा,
क्या हुआ? आपने ये पेट क्यों पकड़ के रखा है? अरे सावित्री, जमींदार की बीवी ने इतना ठूस ठूस कर खिलाया कि मेरा तो पेट फटा जा रहा है। आप इतना खाते क्यों हैं? पेट तो आपका ही है ना? हाँ हाँ, लेकिन इतना खाने के बाद शाम को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। ये लो, इसमें खाना और कपड़े हैं, जमींदार ने दिए हैं, ये सब तुम लोगों के लिए। अब मुझे शाम को कुछ नहीं चाहिए। बाबा, आप कितने अच्छे हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। आप लेट जाइए, मैं आपके लिए चूरन लाती हूँ। कितनी अच्छी बहू है हमारी। ये सारा ढोंग मैं इसीलिए तो करता हूँ सावित्री, कि हमारा ये हरा भरा परिवार खुश रहे और खिलखिलाता रहे। ओहो, आप लेट जाइए, आप चुपचाप लेट जाइए। नहीं नहीं, लेटूंगा नहीं, मंदिर जाऊंगा, वहां जाकर थोड़ी देर बैठूंगा, तभी तो कल की व्यवस्था होगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए लेटेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम समझती नहीं हो सावित्री, ये कोई नौकरी नहीं है कि पहली तारीख को वेतन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आंखें खुली ना रहीं, चारों तरफ हाथ पैर ना मारे, तो कौन पूछेगा हम साधुओं को? बड़ा कठिन काम होता है साधु का बाना पहनकर घर चलाने का व्रत अपनाना। चलता हूँ, आराम। शंभु शंकर, आराम से जाइए। बाबा कहाँ गए? ये साधुओं का काम घर बैठकर नहीं होता, गए कल की रोटी का जुगाड़ करने। शंभु शंकरा, शंभु शंकरा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही ऐसी है सावित्री, जानती हो कल किसके घर से खाने का निमंत्रण मिला है? किसके घर से? सीतारामैया के। वही जिनके घर पर पायसम बहुत अच्छी बनती है। अरे पायसम क्या, उसके घर की तो हर चीज बहुत अच्छी बनती है। सीतारामैया की पत्नी के हाथ में तो जादू है, जादू। तो उसी जादूगर ने से ब्याह करना था ना? क्या बोली? मैं कह रही हूँ कि अगर उनकी घरवाली की रसोई आपके मन में बस गई है तो हमारी रसोई कैसे भाएगी, दाल और रोटी। बाबूजी, खाना परोस दो। नहीं नहीं, थोड़ी सी कांजी दे दे। अरे कल इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा, आज अगर खा लूंगा तो कल क्या खाऊंगा। शंभु शंकरा। नहीं लेना। आप पी क्यों नहीं लेते? सुबह से आपने पानी तक नहीं पिया। सीता रमैया का घर कहीं पास में है क्या? वहाँ पहुँचते पहुँचते दोपहर डल जाएगी और घर लौटते रात। तो क्या हुआ, मैं जैसे ही उसके घर पहुँचूंगा, सबसे पहले उसकी लड़की मुझे एक ठंडा छाछ का ग्लास देगी, फिर मैं वो छाछ पीऊंगा, फिर मेरे आगे पत्तल बिछेगी, फिर उसमें गर्मा गर्म पूरियां, मसालेदार सब्जियां, तीखी तीखी चटनी, पुलाव, और उसके बाद में वो गाढ़ा पायसम। स्वर्ग होगा, स्वर्ग। मगर बाबा, इसमें तो वक्त है, तब तक आप। क्या बाबा, खाने की तैयारी में है? अरे बाबा, छाछ वाच नहीं लेंगे, वो तो सुन कर खाएंगे। अबे तो अकेला खाऊंगा, तुम लोगों के लिए घर पर भी तो लेकर आऊंगा कि नहीं? चलिए बाबा, कुछ दूर आपको छोड़ देता हूँ। हाँ। बहुत लंबा जाना आपको। सुनिए, तांगे पर बैठकर जाइएगा। तुम्हारे बाबा कभी तांगे पर बैठे हैं क्या, जो आज बैठेंगे? कितने भी दूर जाना हो वो तो पैदल ही जाएंगे। हाँ तो साधु संत को पैदल चलना ही सुहाता है। अब ये घोड़ा तांगा और साधु सन्यासी का कोई मेल है क्या, बताओ? हाँ, भोजन और साधु का तो बहुत अच्छा मेल है। क्या बोली? जिने, कुछ नहीं, कब निकलेंगे आप? दोपहर हो गई। हाँ हाँ, जा रहा। चलिए बाबा, वहां तक चलिए, फिर वहां से आप चले जाइएगा। हाँ हाँ, बहुत दूर घर है भाई। गर्मा गर्म पूरी, शंभु शंकरा, सीता रमैया की पत्नी। चलो आ गया, शंभु शंकरा आ गया भाई, बहुत दूर घर है इसका। शंभु शंकरा, शंभु शंकरा। महाराज महाराज। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए बाहर खड़े, देखिए गला सूख गया, सांस चढ़ गए, जरा पहले एक गिलास ठंडा। महाराज क्षमा कीजिए महाराज, आप घर में नहीं जा सकते। घर में नहीं जा सकते क्यों?
अश्वच्छ है महाराज, आज सुबह मेरी चाची का स्वर्गवास हो गया। शंभु शंकरा, घर अश्वच्छ है तो आप इस घर का पानी भी नहीं पी सकते महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। हाँ, पानी भी नहीं पी सकते। मुझे बड़ा दुख है महाराज कि आप यूं भूखे प्यासे मेरे द्वार से जा रहे हैं, क्षमा कीजिए महाराज। अभी क्या कर सकते हैं, शंकर इच्छा महाराज। शंभु शंकरा, छाया भी तो नहीं है कि बैठ जाओ। शंभु भूख के मारे जान निकल रही है मेरी, इस कमबख्त के घर में भी आज ही अशौच होना था। आखिर घर आ ही गया, घर की बात ही कुछ और है। मुझे देखते ही फौरन सब भागेंगे, जल्दी जल्दी खाना बनाकर मुझे खिलाएंगे। नहीं, घर में कुछ तो हो गई, फौरन मुझे दे देंगे। लेकिन आज मैं कुछ लाया नहीं, अभी कहां से लाता, पेट तक खाली है तो छोली तो खाली रहेगी। खैर छोड़ो, घर आ गया है अब तो खाना मिलेगा ही। अरे बाप रे, इतनी भूख तो मुझे कभी नहीं लगी। सावित्री, शंभु शंकरा, सावित्री सावित्री, भूख के मारे जान निकली जा रही है, मुझे खाना दो। खाने को तो कुछ नहीं है बाबा, हमने सब कुछ खत्म कर दिया, हमने सोचा आप सीता रमैया के यहाँ से। हाँ भाई, उसकी चाची गुजर गई तो उसके घर में अशौच है, पानी तक नहीं पिया। जल्दी उठो सावित्री, खाना दो मुझे। मेरे कमर में दर्द है, उससे उठा नहीं जाता। घर में चना कुरमुरा है, खाकर पानी पी लीजिए। चना कुरमुरा तो आपके बेटे ने सुबह ही खा लिया था, और अभी इस वक्त पकाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाबा ऐसे खाली हाथ आएंगे ये तो पता नहीं। मैं कल रात से भूखा प्यासा हूँ और तुम लोगों को बहाने सूझ रहे हैं। मेरी कमर में दर्द है, इसने ये खा लिया, उसने वो खा लिया। मेरी झोली भरी है तो मेरी आवभगत होगी, और मेरी झोली खाली तो मेरा पेट भी खाली। मैं जीऊं या मरूं कोई चिंता नहीं किसी को, सब पारसी हो तुम सब। सन्यासी हूं मैं, एक सन्यासी, ये देखो सन्यासी, सन्यासी के साथ ऐसा चलूं। चिल्लाइए मत, हमारा पेट भर के आप हम पर कुछ ऐसा नहीं कर रहे। वो तो अपनी चटोरी जबान के लिए आप सन्यासी बने थे, इससे उससे यहां से वहां से सब जगह पैसे मांगते फिरते थे। अगर आप सचमुच के सन्यासी होते तो गृहस्थी की चौकर से बंधे नहीं रहते। दो चार लोगों को बेवकूफ क्या बना लिया, सचमुच खुद को सन्यासी मानने लगे। अगर आप सन्यासी हैं तो एक दिन भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, सावित्री ठीक कह रही है। बाबा नहीं, कुछ नहीं। बाबा चुप रहो बेटा तुम, एक दिन भूखे रहेंगे तो सन्यास का गर्व ही टूटेगा, बाकी कुछ नहीं। ये चटोरी जबान कुछ तो शांत होगी। परिवार है जिनके लिए मैं इतने वर्षों से सन्यासी के इस गेरुआ वस्त्र का इस्तेमाल करता रहा, लोगों की याचना कर, उनकी प्रशंसा कर, उन्हें मूर्ख बनाकर इन लोगों के लिए अन्न वस्त्र जुटाता रहा। पर इसमें इनका भी क्या दोष है, दोष तो मेरा है जो सन्यास का अर्थ ही नहीं समझ पाया, इन भगवा वस्त्रों का अर्थ ही नहीं समझ पाया। इन्हें पहनकर भी संसार की कीचड़ में ही डूबा रहा।
जितनी चिंता मैंने अपने परिवार की उतनी अगर अपनी आत्मा की होती तो आज अब भी वक्त है। चेत सुरैया, चेत। कृष्णा की बहती धारा में बहुत कुछ बह जाता है, हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे एक दिन अचानक कृष्णा की धारा ने एक सुरैया को सुरैया स्वामी बना दिया था, उसी तरह से एक दिन सुबह कृष्णा की धारा से ऊपर उठते सूर्य की किरणों ने उन्हें सब कुछ त्याग, मोह माया के सारे बंधन तोड़, एक अनंत यात्रा पर चलने के लिए एक नया रास्ता दिखला दिया। और सुरैया स्वामी उसी रास्ते पर हमेशा हमेशा के लिए चले गए।